तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 64? इन अ ट्रायंगल एबीसी विद द एंगल 90 डिग्री द इक्वेशन हुज रूट्स आर टेन ए एंड टेन बी इज, ठीक है ना, टेन ए एंड टेन बी इज, ठीक है। तो यहां पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, तो ये जो एंगल सी है वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में जो एंगल सी है वो कितना है, 90 डिग्री का है। अब आपको ये बात पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स की जो सम होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री की होती है, ठीक, तीनों एंगल्स में, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स की जो सम होती है वो कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो अगर एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है तो रिमेनिंग दो कोण जो बचेंगे, है ना, रिमेनिंग दो कोण्स जो होंगे उसके एंगल्स की सम कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद क्या कह रहा है, द इक्वेशन हुज रूट्स आर टेन ए टेन बी, ठीक है, तो आपको यहां पे जो इक्वेशन है उसके रूट्स दिए गए हैं, क्या रूट्स है, टेन ए है और क्या है, टेन बी है। तो आपको ये बताना है कि ये जो टेन ए और टेन बी जिस इक्वेशन के रूट्स है वो इक्वेशन क्या होगा, ये आपको यहां पे बताना है, ठीक है ना, वो इक्वेशन क्या होगा ये आपको यहां पे बताना है, ठीक। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तो इस बात को आप समझिएगा कि यहां पे ट्रायंगल एबीसी में, है ना, ट्रायंगल एबीसी में जो एंगल सी है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और हमें यह बात पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स की सम होती है वो कितनी होती है, 180 होती है, है ना, कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो अगर एंगल सी जो है किसी ट्रायंगल में, मान लीजिए कि ये क्या है, ट्रायंगल आपका एबीसी है, है ना, ये क्या है आपका ट्रायंगल ए, ठीक, ये क्या है आपका ए बी सी है, और यहां पे एंगल सी जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो जो रिमेनिंग दो एंगल्स होंगे ए एंड बी, है ना, जो रिमेनिंग दो एंगल्स होंगे वो ए एंड बी, वो कैसे होंगे, कैसे होंगे, उनकी जो सम है ना, उनकी जो सम है वो कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक है ना, उनकी जो सम है वो कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, सोल्यूशन फॉर द व्हाट, क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है ना, इन ट्रायंगल एबीसी ऐसे लिखिएगा, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी जो है वो कितना दिया हुआ है आपको यहां पे, 90 डिग्री का दिया हुआ है, एंगल सी जो है वो आपको यहां पे कितना दिया है, 90 डिग्री का दिया हुआ है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ए प्लस बी जो है रिमेनिंग दो एंगल्स की जो सम है वो कितनी होगी बेटा, 90 डिग्री होगी। अब इसमें से हमें ये नहीं पता कि ए कितने डिग्री का एंगल है और बी कितने डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, ए कितने डिग्री का एंगल है और बी कितने डिग्री का एंगल है, ठीक है। लेकिन इस बात को आप समझिएगा, इस बात को आप समझिएगा, क्या समझिएगा, कि अगर हमें यह बात पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स की जो सम है वो 90 डिग्री की होती है, तो अगर ये 90 एंगल सी जो है 90 डिग्री का एंगल है, तो बचे हुए ये जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं इनकी जो सम होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, ठीक। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर बी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस ए, है ना, 90 डिग्री माइनस ए, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, है ना, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, ठीक है। अब देखो दूसरा इंफॉर्मेशन हमें यहां पे क्या दिया हुआ है कि टेन ए और टेन बी जो है वो क्या है, रूट्स है, ठीक है ना, टेन ए जो और टेन बी जो है वो क्या है, रूट्स है। देखो एक बात हमें पता है, अगर मान लीजिए कि ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी ये कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, अगर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी अगर ये आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स की जो सम है, मान लो कि अगर m एंड n जो है इसके रूट्स है, ठीक है, इफ m एंड n आर रूट्स, ठीक है ना, इफ m एंड n आर रूट्स, अगर m एंड n जो है इसके रूट्स है, तो यहां पे इसके रूट्स की जो सम होती है वो क्या होती है, m प्लस n इज इक्वल टू क्या होती है, माइनस बी बाय ए होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें m एंड n जो है वो क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। अगर m एंड n जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, तो उसके रूट्स की जो सम है, दो रूट्स की जो सम है वो क्या होती है, माइनस बी बाय ए के बराबर में होती है, ठीक है ना, किसके बराबर में होती है, माइनस बी बाय ए के बराबर में होती है, ठीक। अब यहां पे देखिएगा, हमें यहां पे क्या बोला गया है कि tan a और tan b जो है, tan a और tan b जो है वो क्या है, रूट्स है, किस इक्वेशन के रूट्स है, जो इक्वेशन हमें निकालना है, ठीक है ना। सिंस
सिंस यहां पे हम लिखेंगे सिंस टैन ए एंड टैन बी, सिंस टैन ए एंड टैन बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, सिंस टैन ए एंड टैन बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, सो देयरफॉर, ठीक है ना, देयरफॉर टैन ए प्लस टैन बी है ना, दो रूट्स है तो इसकी हम सम लिख सकते हैं, तो टैन ए प्लस टैन बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, देखो टैन ए को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय क्या लिख सकते हैं साइन बी, है ना, क्या लिख सकते साइन ए बाय क्या लिख सकते हैं कॉस ए, है ना, साइन ए बाय ए क्या हो जाएगा बेटा हमारा कॉस ए हो जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे साइन ए बाय क्या कॉस ए प्लस, ठीक है, प्लस यहां पे देखना टैन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन का मतलब क्या, टैन का मतलब क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो वैसे ही टैन बी का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे साइन बीटा बाय क्या कॉस बीटा, है ना, क्या हो जाएगा साइन बीटा बाय कॉस बीटा, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये साइन ए जो है ये आपका यहाँ पे एज इट इज है और ये कॉस ए जो है इसको भी मैं फिलहाल यहाँ पे एज इट इज रखूंगा, और यहाँ पे देखिएगा प्लस साइन बी, साइन बी देखो हम यहाँ पे बी को ही कैसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा साइन को क्या लिखूंगा 90 डिग्री माइनस ए, है ना, क्या लिखूंगा 90 माइनस ए, और डिवाइडेड बाय कॉस बी, तो b की जगह पे अगेन मैं क्या लिख सकता हूं b का ही मतलब क्या है 90 डिग्री माइनस a, तो यहां पे क्या हो जाएगा cos of 90 डिग्री माइनस b, सॉरी माइनस a, ये कैसे आ रहा है आपको बात समझ में आई, कैसे आया यहां पे देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इन ट्राइंगल ABC में हमें ये बोला गया है कि एंगल C जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, और हमें ये बात पता है कि किसी भी एंगल के तीनों कोण की जो सम होती है वो कितनी होती है 180 डिग्री की होती है, तो अगर ये 90 डिग्री का है तो ऑब्वियस सी बात है कि A प्लस B जो है वो कितना होगा 90 डिग्री होगा, रिमेनिंग एंगल्स कौन से हमारे A एंड B है, तो अगर C 90 डिग्री का है तो दूसरा जो A प्लस B बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स है उनकी सम कितनी होगी 90 डिग्री की होगी, और इसी का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A और A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस B, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमें ये बोला गया था कि tan A और tan B जो है वो रूट्स है किसके है इक्वेशन के रूट्स है जो इक्वेशन हमें निकालना है, ठीक। उसके बाद देखो हमें ये भी बात पता थी कि अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a इंटू एक्स स्क्वायर b इंटू एक्स प्लस c इज इक्वल टू जीरो और m एंड n जो है उसके रूट्स है, है ना, अगर m एंड n जो है क्या है उसके रूट्स है, तो उसके रूट्स की जो सम होती है वो क्या होती है माइनस बी बाय ए के बराबर में होती है, जहां पे b जो है वो x का कोएफिशिएंट होता है और एक्स स्क्वायर जो है वो किसका कोएफिशिएंट होता है a का कोएफिशिएंट होता है, ठीक। नाउ यहां पे देखिएगा, ठीक है, उसी का यूज करके हमने क्या लिखा tan a प्लस tan b इज इक्वल टू व्हाट tan a बाय cos a, सॉरी tan a का मतलब क्या हो जाएगा sin a बाय cos a प्लस tan b का मतलब क्या हो जाएगा sin b बाय cos b, ठीक है ना, क्या हो जाएगा sin b बाय cos b। नाउ यहां पे देखिएगा कि tan sin ऑफ 90 डिग्री माइनस a का मतलब क्या होगा, ठीक है ना, sin ऑफ 90 डिग्री माइनस a क्या होता है, देखो इस आइडेंटिटी को हम कैसे लिखेंगे, मैंने आपसे कहा था कि इसको हमें याद नहीं करना है, इसको हमें कॉन्सेप्चुअली ध्यान में रखना है, ठीक है, याद करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखेंगे तो ये आइडेंटिटी हमारे पास कभी भी लाई जाए, हमारे सामने कभी भी पेश करी जाए, हम उसका आंसर जो है बहुत इजीली लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे देखना क्या करना होता है, सबसे पहले आपको चेक करना होता है एंगल, तो बेटा एंगल यहां पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है, और जब एंगल 90 डिग्री का एंगल है ये कहां का एंगल है y एक्सिस का ऊपर y एक्सिस का एंगल है, y एक्सिस का एंगल है इसका मतलब क्या है y एक्सिस को हम क्या कहते हैं चेंज एक्सिस कहते हैं, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है क्या होता है चेंज हो जाता है साइन का कॉस में कॉस का साइन में टैन का कॉट में, तो यहां 90 डिग्री का एंगल है और यहां पे आपको क्या दिख रहा है साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा। उसके बाद यहां पे देखो अब sin पॉजिटिव लगेगा कि नेगेटिव लगेगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, 90 डिग्री माइनस a में ये जो आपको एंगल a दिखता है ये क्या होता है एक्यूट एंगल होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है बेटा एक्यूट एंगल होता है, और एक्यूट एंगल कैसा एंगल है इट इज लेस देन 90 डिग्री, है ना, एक्यूट एंगल कैसा एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री होता है, तो जब आप 90 डिग्री में से ऐसे एंगल को माइनस करोगे जो 90 डिग्री से छोटा है तो जो एंगल आपका बनेगा वो 90 डिग्री से छोटा ही बनेगा, और 90 डिग्री से छोटा बनेगा मतलब वो कहां पे आएगा जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में आएगा, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो कहां पे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक। तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो हमें ये बात पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जीरो होते हैं, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सॉरी जीरो नहीं होते ना, क्या होते हैं
पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पे साइन भी क्या होगा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पे साइन जो है वो क्या लगेगा पॉजिटिव लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप आइडेंटिटी को ध्यान में रख सकते हो। और वैसे ही कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए जो है ये क्या हो जाएगा, अगेन आप यहां पे देखो कि 90 डिग्री जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर का एंगल है, वाई एक्सिस हमारा चेंज एक्सिस है, तो कॉस का जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें साइन में, तो यहां पे हम लिखेंगे साइन ए। और अगेन 90 डिग्री माइनस ए जो है ये कहां पे आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो बेटा यहां पे भी जो साइन हमारा लगेगा वो कैसा लगेगा पॉजिटिव ही लगेगा, ठीक है ना, कैसा लगेगा पॉजिटिव ही लगेगा। तो देखिए कि ये साइन ए जो है, ठीक, ये जो साइन ए है ये हमारा यहां पे एज इट इज रहेगा, सो साइन ए, ठीक है ना, साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए प्लस यहां पे देखना साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, जैसे साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है कॉस ए, तो वैसे ही साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है साइन ए, तो वैसे ही यहां पे देखना, वैसे ही यहां पे देखना कि कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए जो है मेरा क्या हो जाएगा यहां पे साइन ए हो जाएगा। और आपको अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें यहां पे बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये टेन ए प्लस टेन बी है ना, tan a plus tan b is equals to, ठीक है, is equals to, देखिए हम क्या लिखेंगे यहां पे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा sin a into sin a जो है वो क्या हो जाएगा यहां पे sin square a हो जाएगा, प्लस यहां पे देखो cos a into cos a कितना हो जाएगा cos square a हो जाएगा डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos a into sin a, जिसी को हम लोग sin a into cos b, cos a भी लिख सकते हैं ना, sin a into cos a भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ देखो हमारे पास आइडेंटिटी है कि sin square theta plus cos square theta जो है वो कितना होता है 1 होता है ना, sin square theta plus cos square theta बेटा कितना होता है 1 होता है, तो sin square a plus cos square a ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है sin a into cos a, ठीक है ना, क्या है sin a into cos a। देखो इसी को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं 2 into, ठीक है, 2 into, सॉरी 2 बाय 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। मैंने क्या किया यहां पे, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2-2 को एडजस्ट किया है ना, मैंने कुछ यहां पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, मैंने क्या किया सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2-2 को एडजस्ट किया हुआ है। अब यहां पे देखना कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक और फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है कि साइन 2 थीटा जो है मैं इसी को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, है ना, मैं साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, ठीक है, यहां पे देखिएगा तो ये हो जाएगा 2 बाय, ये 2 इंटू साइन है इंटू कॉस है, तो देखो जैसे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं साइन 2 थीटा, तो वैसे ही 2 इंटू साइन है इंटू कॉस ए इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन ट्वाइस ए, है ना, क्या लिख सकता हूं मैं साइन ट्वाइस ए। तो कहने का मतलब क्या है कि टेन ए प्लस टेन बी जो है मुझे यहां पर कितना मिल रहा है, ठीक है, मुझे यहां पर कितना मिल रहा है 2 बाय साइन ट्वाइस ए मिल रहा है, है ना, कितना मिल रहा है 2 बाय साइन ट्वाइस ए मिल रहा है, ठीक है। अब इस बात को समझो, ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो है वो क्या है m एंड n है, तो इन दोनों रूट्स की जो सम है वो किसके बराबर में आती है माइनस बी बाय ए के बराबर में आती है, ठीक, किसके बराबर में आती है माइनस बी बाय ए के बराबर में आती है। अब इसको ऐसे समझो, ठीक है ना, अब इसको ऐसे समझो कि मान लो कि m की जगह पे आपको क्या दिख रहा है tan a दिख रहा है, और n की जगह पे क्या दिख रहा है tan b दिख रहा है ना, m की जगह पे क्या है tan a है और n की जगह पे क्या है tan b है, तो अगर मैं इसके LHS को इसके LHS के साथ कंपेयर करूं, है ना, अगर मैं ये वाला जो इक्वेशन आपको दिख रहा है इसको मैं यहां पे कंपेयर करूं राइट हैंड साइड को, ठीक है, राइट हैंड साइड को अगर मैं कंपेयर करूं तो आप यहां पे देखोगे कि मुझे, ठीक है ना, मुझे माइनस बी बाय ए के बराबर में यहां पे कितना मिल रहा है, या फिर आप यहां पे एक काम कर सकते हो उसको डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेना, डायरेक्ट यहां पे आप कंपैरिजन कर लेना, ठीक, तो यहां पे आपको माइनस बी के बराबर में कितना मिल रहा है, न्यूमरेटर वाली टर्म क्या है यहां पे 2 है, तो माइनस बी के बराबर में आपको यहां पे 2 मिल रहा है, और बेटा ए के बराबर में जो है वो आपको यहां पे कितना मिल रहा है साइन ट्वाइस ए मिल रहा है ना, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं बी इज इक्वल टू माइनस 2 एंड ए इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं साइन ट्वाइस ए लिख सकता हूं, ठीक है ना, मैं क्या लिख सकता हूं साइन ट्वाइस ए लिख सकता हूं, ठीक है। अब मुझे वो इक्वेशन निकालना है,
है ना, उसके मुझे इक्वेशन निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, a into x square plus b into x plus c is equal to. देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स की सम माइनस b by a आती है, तो अगर मेरे पास b और a की वैल्यू है तो मैं इस इक्वेशन को बना सकता हूं ना, मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a एंड b की वैल्यू रखनी पड़ेगी. तो मेरे पास a की वैल्यू अवेलेबल है, a की वैल्यू कितनी है, sin twice a, तो मैं रखूंगा यहां पे कितना हो जाएगा, sin twice a into क्या x square, देन यहां पे देखना माइनस b की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2 into x plus c is equals to यहां पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. और देखो यहां पे एक्स स्क्वायर के सामने, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर के सामने कोई टर्म नहीं है, ठीक, एक्स स्क्वायर के सामने यहां पे सॉरी एक्स स्क्वायर के सामने जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, साइन ट्वाइस ए है. तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को साइन ट्वाइस ए से डिवाइड कर देंगे. अगर हम इस पूरे इक्वेशन को साइन ट्वाइस ए से डिवाइड कर दे तो ये देखिए साइन ट्वाइस ए यहां से कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस 2 बाय यहां पे कितना आ जाएगा साइन ट्वाइस ए, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे साइन ट्वाइस ए, और यहाँ पे क्या इन टू एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी बाय, प्लस सी बाय कितना हो जाएगा साइन ट्वाइस ए, और यहाँ पे कितना इज इक्वल्स टू 0, है ना, इज इक्वल्स टू कितना 0. तो इसी को मैं फाइनली कैसे लिख सकता हूँ, है ना, इसी को मैं फाइनली कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय साइन ट्वाइस ए, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय साइन ट्वाइस ए ऑफ एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस यहां पे देखना c by sin twice a, sin twice a भी एक कांस्टेंट है और यहां पे c भी क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम किसी बड़े कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल c, और यहां पे क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0. वहां पे आप नोट कर लीजिएगा कि वेयर, ठीक है ना, वेयर कैपिटल c इज इक्वल्स टू व्हाट, स्मॉल c by sin twice a, नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें जो हमारा आंसर आएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय साइन ट्वाइस ए, है ना, माइनस 2 बाय साइन ट्वाइस ए इंटू क्या एक्स, और यहां पे क्या होगा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, क्या हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स जो है वो क्या है टेन ए एंड टेन बी है, वो हमें क्या मिला यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय साइन ट्वाइस ए इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू व्हाट 0, ठीक. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यहां पर क्या है, 3 into sin x minus cos x raised to 4 plus 6 into, ठीक है, plus 6 into, 6 into क्या दिख रहा है आपको, sin x plus cos x का whole square, plus आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 into sin sin raised to 6x plus क्या cos raised to 6x is equals to 0, ठीक है ना, क्या दिख रहा है cos raised to 6x is equals to 0, ठीक. तो चलिए सॉल्यूशन लिखिएगा इसका, ठीक है ना, सॉल्यूशन लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 65, ठीक. तो नाउ यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेस टू 4 प्लस 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन रेस टू 6x प्लस कॉस टू द पावर x इज इक्वल टू, ये आपको यहां पे निकालनी, ठीक है ना, इस इक्वेशन की वैल्यू आपको निकालनी है. तो यहां पे देखिएगा कंसिडर, ठीक, कंसिडर 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेस टू 4 प्लस 6 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन रेस टू 6x प्लस कॉस रेस टू 6x, ठीक है, प्लस कॉस रेस टू 6x इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू. देखो यहां पे ना इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3 इंटू, ठीक है ना, 3 इंटू ये जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेस टू जो 4 आपको दिख रहा है इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या मैं इसे, अगेन देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक. तो ये जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेस टू 4 है इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, देन यहां पे देखिएगा प्लस, यहां पे मैं एक्सपांशन अप्लाई करूंगा, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना इसको मैं खोल दूंगा, इसको अगर मैं खोल दूं, इसको मैं ओपन कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, देखो a plus b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a plus b होल स्क्वायर क्या होता है, a square plus twice ab plus b square. तो वैसे ही sin x plus cos x का होल स्क्वायर यहां पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x, कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस क्या होना चाहिए 2 sin x into cos x, है ना, क्या हो जाएगा 2 sin x into क्या cos x, ठीक.
देन यहां पे देखना प्लस, ठीक है ना, प्लस 4 इनटू ये जो साइन रेस टू 6x प्लस कॉस रेस टू 6x आपको यहां पे दिख रहा है, इसी को मैं क्या लिखूंगा, ये जो साइन रेस टू 6x आपको यहां पे दिख रहा है इसी को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस, ठीक है ना, प्लस, और ये जो कॉस रेस टू 6x मुझे दिख रहा है इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, है ना, क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब, ठीक है। अगेन स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो आपको क्या मिलता है, 6 ही मिलता है, ठीक। नाउ यहां पे देखिएगा कि यहां पे 3 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये देखो ये जो ऊपर वाला पावर आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको मैं फिलहाल यहां पे एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं फिलहाल यहां पे एज इट इज रख रहा हूं, और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जो होल स्क्वायर है ना, इसको मैं यहां पे ओपन करने वाला हूं, ठीक, इसको मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, ओपन। देखो समझ में आया कि मैंने क्या कहा, हम क्या करेंगे यहां पे, ये जो ऊपर वाला स्क्वायर आपको दिख रहा है उसको मैं सेम रखूंगा, एज इट इज रखूंगा, और यहां पे ये जो ब्रैकेट के अंडर में आपको स्क्वायर दिख रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम यहां पे ओपन करेंगे, इसको अगेन अगर हम यहां पे ओपन करें तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा देन, माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन एक्स इंटू क्या, कॉस एक्स, ठीक है। देन यहां पे देखिएगा प्लस, ठीक है, प्लस यहां पे ये 6 इंटू, ठीक है, 6 इंटू ये जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक, तो मैं लिखूंगा यहां पे क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को मैं बाहर नोट करूंगा, ठीक, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देन यहां पे देखिएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस 4 इंटू, ठीक है, ये जो आपको साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब दिख रहा है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, ए इंटू बी प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू क्या, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस क्या, बी स्क्वायर, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। तो यहां पे देखो, अगर मैं ये वाला जो टर्म हमें यहां पे दिख रहा है इसको अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब के साथ कंपेयर करें, ठीक, अगर हम इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के साथ कंपेयर करें तो यहां पे आप देख सकते हो कि ए की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, और बी की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, ठीक है ना, साइन ए की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, और बी की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो वैसे ही मैं साइन स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब को क्या लिखूंगा मैं, देखो ए की जगह पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो ए की जगह पे हम रखेंगे यहां पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, बी की जगह पे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो बी की जगह पे मैं रखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स, देन मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर, मतलब क्या, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन रेस टू 4x, कितना हो जाएगा, साइन रेस टू 4x, माइनस ए इंटू बी, इसका मतलब क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या, बी स्क्वायर, मतलब क्या, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस रेस टू 4, है ना, कितना होना चाहिए, कॉस रेस टू 4x, ठीक है। यहां पे ये ब्रैकेट नहीं भी दिया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, इस ब्रैकेट को हम यहां से हटा लेते हैं, ठीक। चलिए, तो इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है ना, इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू, ठीक है ना, 3 इंटू, देखो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 लिखेंगे। देन यहां पे देखना माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम थोड़ी नजर घुमाए तो हमें वहां पे ये फॉर्मूला दिखेगा, कौन सा फॉर्मूला दिखेगा, कि साइन 2 थीटा जो है ना, ये कितना होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू क्या होता है, कॉस थीटा, है ना, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। यहां पे देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम थोड़ा ध्यान दे तो हमें ये फॉर्मूला नजर आएगा कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पे देखो ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में। तो जैसे मैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकता हूं, वैसे ही मैं 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूं, साइन 2 एक्स लिख सकता हूं ना,
क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे साइन 2x लिख सकता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा क्या साइन 2x, ठीक है ना, क्या लिखूंगा मैं साइन 2x, देन यहां पे देखना प्लस 6 इंटू, ठीक है ना, प्लस 6 इंटू, यहां पे देखो अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, एक काम करना यहां पे इसका होल स्क्वायर था, है ना, यहां पे होल स्क्वायर हमने नोट नहीं किया था, इसको यहां पे होल स्क्वायर कर देना, ठीक, देन यहां पे देखना कि 6 इंटू व्हाट, यहां पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इतना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां पे अगेन ये जो 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपको दिख रहा है, अगेन 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो वैसे ही 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को मैं क्या लिखूंगा साइन 2x लिखूंगा, ठीक है ना, मैं क्या लिखूंगा साइन 2x लिखूंगा, और यहां पे देखिएगा प्लस 4 इंटू, ठीक है ना, 4 इंटू, यहां पे देखो अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बेटा यहां पे क्या दिया हुआ है आपको साइन रेस टू 4x, है ना, क्या दिया हुआ है साइन रेस टू 4x माइनस क्या, ठीक है ना, साइन रेस टू 4x, और एक काम करेंगे हम साथ में इसके वाले, ठीक है ना, एक काम करेंगे हम यहां पे ये जो आपको cos raise to 4x दिख रहा है ना, इसको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है ना, sin raise to 4x के बाद क्या नोट करेंगे हम cos raise to 4x को नोट करेंगे, और यहां पे कितना है माइनस sin square x इंटू क्या है cos square x, है ना, माइनस sin square x इंटू क्या cos square x, ठीक है, देखो यहां पे इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखो हमें 3 इंटू, ठीक है ना, 3 इंटू, यहां पे अगेन हम a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग ओपन करेंगे, ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिख रहा है, ठीक, तो इसको अगर हम यहां पे ओपन करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो a की जगह पे आपको यहां पे क्या दिख रहा है ना, a की जगह पे आपको यहां पे क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या ट्वाइस ए बी, तो माइनस ट्वाइस ए बी, ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है साइन 2x, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन 2x हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन 2x हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस क्या होना चाहिए साइन 2x का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, यहां पे ये ब्रैकेट कंप्लीट, यहां पे हम 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू साइन 2x कितना होना चाहिए 6 इंटू साइन 2x जो है ये कितना होना चाहिए 6 साइन 2x होना चाहिए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ठीक, 6 इंटू 1 कितना 6 प्लस 6 इंटू साइन 2x कितना हो जाएगा 6 साइन 2x हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6 साइन 2x हो जाएगा, देन यहां पे देखना 4 इंटू 1 कितना 4, और यहां पे अगेन एक बात हम नोट करेंगे, ये जो साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x आपको यहां पे दिख रहा है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या मैं ऐसे, साइन रेस टू 4x को मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, प्लस यहां पे देखना ये जो cos raise to 4x है इसी को मैं क्या लिख सकता हूं cos square x का square, है ना, क्या लिख सकता हूं cos square x का square, और यहां पे देखना माइनस sin square x into cos square x, इसको मैं क्या लिखूंगा sin x into cos x का होल स्क्वायर, इनका जो स्क्वायर है उसको हम लोग क्या करेंगे कंबाइन कर लेंगे और यहां पे ये ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ठीक है ना, यहां पे ये ब्रैकेट जो है उसको हम क्या करेंगे क्लोज कर लेंगे, ठीक है, नाउ यहां पे देखिएगा अगेन ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास या फिर हम कहें तो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है या फिर हम कह सकते हो ये डिराइव्ड फॉर्मूला है, जैसे देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या ट्वाइस ए इंटू बी लिख सकते हैं, यहां से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू बी, देखो ए अगर आप ओपन करते हो ना ए प्लस बी को अगर आप खोलते हो तो हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ये ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए बी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो फिर से क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसी को मैं क्या लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ठीक है ना, माइनस क्या ट्वाइस ए बी, ठीक है, तो यहां पे देखो आगे हम इसको कैसे नोट करेंगे, तो यहां पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है 3 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस यहां पे देखना, माइनस यहां पे देखना 3 इंटू 2 साइन एक्स कितना हो जाएगा 6 इंटू साइन 2x हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6 इंटू साइन 2x हो जाएगा, 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, देन यहां पे देखना प्लस, ठीक है ना, प्लस यहां पे कितना है 6 है प्लस ये कितना है 6 साइन 2x है,
ठीक है ना, कितना है हमारे पास 6 sin 2x है, देन उसके बाद देखना यहां पे प्लस 4 इनटू, ठीक है प्लस 4 इनटू। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को ही मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, तो वैसे ही मैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। देखो ओनली अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो a की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे sin स्क्वायर x दिख रहा है और b की जगह पे यहां पे क्या है cos स्क्वायर x है। तो जैसे मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए भी लिख सकता हूं, तो वैसे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होल स्क्वायर माइनस क्या ट्वाइस ए बी, तो टू इंटू ए, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना, क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, प्लस बी की वैल्यू मेरे पास यहां पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है ना, मेरे पास क्या है यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स है और यहां पे मुझे क्या मिलेगा माइनस, ठीक है माइनस ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, ठीक है ना, क्या लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहां पे फिर से इसको मॉडिफाइड तरीके से हमने लिख दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहां पे देखो इसी को अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये 3 माइनस 6 इंटू साइन 2x, एक काम करना ये 6 साइन 2x प्लस साइन 2x को यहां पे कैंसिल कर दो, ठीक, यहां पे 6 साइन 2x प्लस माइनस 6 साइन 2x प्लस 6 साइन 2x को हम कैंसिल कर देंगे, उसके बाद देखना 3 प्लस 6 जो है ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे क्या 9, उसके बाद यहां पे कितना बचता है 3 इंटू साइन स्क्वायर 2x बचता है, ठीक है ना, कितना बचता है 3 इंटू साइन स्क्वायर 2x बचता है, देन यहां पे देखना प्लस, ठीक है ना, प्लस ये 4, ठीक है प्लस 4 इंटू, ठीक है ना, प्लस 4 इंटू यहां पे देखना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना, ये कितना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहां पे देखना माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां पे देखो माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू क्या आएगा यहां पे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, बात समझ में आई क्या, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसी को बेटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 9 इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, सॉरी इज इक्वल्स टू के बराबर में 9 प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 2x, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 इंटू क्या साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, देन यहां पे देखो क्या करेंगे 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, 4 इंटू 1 कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, साथ में 4 इंटू माइनस 3, तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे 4 इंटू माइनस 3, इसको फिलहाल ऐसा ही लिखो 3 इंटू 4 इंटू क्या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर, देखो इसी को अगेन हम कैसे लिख सकते हैं, ये 9 प्लस 4 जो है ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, प्लस यहां पे देखना 3 इंटू ये साइन स्क्वायर 2x जो है ये आपका एज इट इज है, ठीक, यहां पे 3 इंटू 4 हमें लिखना था ना, ठीक है ना, क्या लिखना था हमें 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू क्या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर, तो यहां पे देखना ये माइनस 3 जो है ये आपका एज इट इज है, और 4 को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना, 4 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो यहां पे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर, इसी को आगे हम कैसे लिख सकते हैं 13 प्लस, ठीक है 13 प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 2x, 2x माइनस 3 इंटू यहां पे देखो 2 का स्क्वायर है यहां पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर को कंबाइन कर लेंगे, तो क्या मिलेगा 2 साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसी को बेटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये 13 प्लस, ठीक है ना, 13 प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 2x माइनस यहां पे देखना 3 इंटू, ठीक है नाउ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का ही मतलब क्या हो जाएगा साइन 2x, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 13 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा अगेन साइन स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर, इसी का मतलब क्या होना चाहिए साइन स्क्वायर 2x, ठीक है नाउ यहां पे देखना
3 इंटू साइन स्क्वायर 2x और माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर 2x यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहां पे कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दैट इक्वेशन जिसको हमने सिंप्लीफाई किया था, यहां पे ब्लैंक स्पेस में जो आंसर है वो कितना आएगा बेटा, 13 आएगा। ठीक, ब्लैंक स्पेस में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा, यहां पे 13 आएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है,